सर्वोदय विकास कोचिंग सेंटर के वीडियो पाठ्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। हमारी बातचीत बिहार बोर्ड के 10वां क्लास के स्टूडेंट से हो रही है और हम इस वर्ग के गणित की बात कर रहे हैं और गणित में प्रश्नावली 1.2 की बात कर रहे हैं। प्रश्नावली 1.2 में एक क्वेश्चन इस फार्मूला पर आधारित है जो पेज आपके सामने हमने रखा है। आप देख रहे होंगे जो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो सामने है वो कुछ इस टाइप का है, दो संख्याओं का गुणनफल। आप देख रहे होंगे यहाँ जो दो संख्याओं के गुणनफल उनके दो संख्याओं के गुणनफल उनके लॉसौ और मौसौ के गुणनफल के बराबर होता है। ये याद रखिएगा, दो संख्याओं के गुणनफल उनके लॉसौ और मौसौ के गुणनफल के बराबर होते हैं। इसमें और भी अन्य फार्मूला को याद रखना है, जैसे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसौ गुने मौसौ, या दो संख्याओं का गुणनफल को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसौ गुने मौसौ। और इससे हम अन्य फार्मूला जो जानेंगे, जैसे कि पहली संख्या बराबर लॉसौ गुने मौसौ बट्टे दूसरी संख्या, या फिर और भी फार्मूला हम लोग जानेंगे, दूसरी संख्या बराबर लॉसौ गुने मौसौ बट्टे पहली संख्या। और नेक्स्ट है दो संख्याओं का लॉसौ बराबर, दो संख्याओं का लॉसौ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे मौसौ। और एक हो गया दो संख्याओं का मौसौ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे लॉसौ। तो ये टोटल फार्मूला यही है, इस पे कुछ आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आपके सामने हम कुछ क्वेश्चन यहाँ रखा है, जिसमें प्रश्नावली 1.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन और चौथा नंबर क्वेश्चन, इसके अलावा उदाहरण 7 और कुछ क्वेश्चन हम क्वेश्चन बैंक से लिया है, जो कि यहाँ आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन जो है सो क्वेश्चन बैंक से लिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास हमने ये फार्मूला रखा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस तरह के सवाल को हम लोग बनाएंगे कैसे। यहाँ पे दो तरह के सवाल हैं, एक जो आपके प्रश्नावली में है, एक ये देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। तो एक इस टाइप का सवाल, इस क्वेश्चन में हम लोग ये दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए सबसे पहले इसमें जो कहा गया है, जो क्वेश्चन में आप देखे हैं, जो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए करना है, सबसे पहले HCF LCM और फिर तब जाके जांच करना है जो दो संख्याओं के गुणनफल HCF गुने LCM होगा कि नहीं, इसी को हम लोग देखते हैं। आइए, तो आपको याद होगा जो HCF और LCM निकालने के लिए हमने बताया था, जो यहाँ पे दो संख्या 510 और जो ये 92 है, तो इस 510 और 92 इस दोनों संख्या में पहले 510 का हम LCM निकाल रहे हैं। तो इसको LCM निकालने का तरीका में आपको याद होगा जो अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग किया जाता है, करना है यहाँ पे। और अभाज्य गुणनखंड विधि में आपको याद होगा जो हमने बताया था अभाज्य संख्याओं का को ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्याओं में हमने बताया था जो वैसी संख्या जो किसी पहारा में नहीं आए, सामान्यतया पहारा में नहीं आने का मतलब है जो वो स्वयं के पहारा और एक के पहारा में, एक के पहारा और स्वयं के पहारा को छोड़कर किसी में नहीं आए।
तो वो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की अगर लिस्ट की बात करेंगे तो जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। जैसे यहाँ पे 510, 510 में लास्ट में देख रहे हैं यहाँ 0 है, तो हम 2 से दिया, 2 दूनी 4, 1 शेष बचा 11, 2 पंचे 10, फिर 1 शेष बचा 10, 2 पंचे 10, यहाँ 255। 255 के लास्ट में 5 है, अतः यह 2 से नहीं कटेगी। तो हम इस संख्या को जोड़ के देखा, 5, 5, 10, 2, 12, 3 से कट रहा है, इसीलिए 3 8 24 और 1 शेष 3 5 15। पुनः 85, दोनों संख्या को जोड़ के देखते हैं तो 8, 5, 13, 3 के पारा में नहीं आता है, इसीलिए 5 से दिया। 5 से 8 में 5 एक है 5, 3 35, 5 7 35, तो यहाँ पे 17, मतलब 210 बराबर 510 का ये अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पे निकाले हैं, 510 का अभाज्य गुणनखंड। उसी प्रकार से 92 की हम बात कर रहे हैं, 92 में 2 से दिया क्योंकि लास्ट में 2 है और 2 जो है वो 2 से कटेगी, इसीलिए 2 से दिया। तो 2 चौका 8, 1 शेष बचा 12, 2 छक्के 12, फिर 46 में के लास्ट में 6 है, 2 से कटेगी, इसलिए 2 से दिया, 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब हम यहाँ 510 का अभाज्य गुणनखंड लिखा, 510 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे आपने देखा है, ये जो 2 है, फिर 5 है, फिर 17 है, तो ये हमने लिखा 2 × 3 × 5 × 17। और फिर 92 का 2 × 2 × 23, जिसको 2 को हम 2² लिखा और × 23 लिखा। तो एलसीएम में आपको बताया था जो इसमें और इसमें दोनों में जो मिलेगा उसको लेंगे और ज़्यादा पावर वाला लेंगे। जैसे इसमें और इसमें हम देख रहे हैं जो 2 दोनों में है, लेकिन इसमें 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 अकेले है, तो यहाँ हमने लिया 2 के पावर 2। फिर दोनों में 3 यहाँ है, इसमें नहीं है, लेकिन उसको भी लेंगे 3। 5 यहाँ है, इसमें नहीं है, तो उसको भी लिया 5। 17 इसमें है, इसमें नहीं है, उसको भी लिया 17। 23 इसमें है, इसमें नहीं है, उसको भी लिया 23। सबको गुना करके 23,460 यहाँ पे इसका एलसीएम निकाला, तो एक आंसर हमारा यही निकला, 23,460 ये एलसीएम निकाला। फिर एचसीएफ, इसी प्रकार से एचसीएफ में क्या है, इसमें और इसमें जो मिलेगा उसको लेंगे, जो मिलेगा सिर्फ उसको याद रखना है, जो मिलेगा उसी को, और उसमें भी कम पावर। तो इसमें और इसमें 2 मिल रहा है, लेकिन 2 के पावर यहाँ 2 है, यहाँ 2 अकेले हैं, तो हम यहाँ पर 2 को लिया। आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रकार से ये HCF 23,460, LCM 2। जांच करना था दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, ये सवाल में ही दिया था, इसी को जांच करना है। तो दो संख्या यहाँ पर क्या है, 510 और 92, वही लिया 510 × 92, दोनों को गुना किया तो देखिए 46,920 यहाँ है, और यहाँ पर देखिए HCF और LCM, तो HCF 2 है और LCM 23,460, गुना करके यहाँ पे 46,920, तो दोनों तरफ सेम आ गया, तो इसका मतलब क्या है, आपका आंसर सही है। तो इस प्रकार से एक टाइप का सवाल ये पूछा जाता है जो कि आपको अभी दिखाया था, जो इसमें ये जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें पहला दूसरा तीसरा है, दूसरा हम बताए हैं इसको, और इसको आप जो है सो बनाएंगे, ये तीसरा नंबर को और पहला नंबर को। इसमें और भी सवाल हम दिए हैं नीचे भी, उस सब को भी देख लीजिएगा, जहाँ जैसा हो उसको बनाएंगे। और एक सवाल इसमें पूछा जाता है, जैसा कि है चौथा नंबर देखिए, पाँचवा, सात नंबर देखिए उदाहरण, और यहाँ पे कुछ सवाल, इन सब को जो है सो हम लोगों को बनाने के लिए, जो इसमें जो फार्मूला आपको दिया था, यहाँ पे जो फार्मूला है, पहला से नहीं, पहला नहीं, दूसरा, दूसरा भी नहीं, तीसरा, चौथा, पचवा, छठा, मतलब ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला और ये फार्मूला, इसका प्रयोग करके हम लोग अन्य सवाल को बनाएंगे। इसमें से एक सवाल हम यहाँ पर लिए हैं, ये 4 नंबर, यहाँ पे लिखा है सवाल जो HCF 306·667, मतलब इस 306 और 657 का HCF 9 है और LCM निकालना है 306 और 657 का।
तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। आपको याद होगा जो यहाँ पे एलसीएम बराबर, यहाँ हम लोग अभी फार्मूला सीखे हैं, जो दो संख्याओं का लॉस हो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे मॉस हो। तो इसी का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पे एलसीएम बराबर लिखे हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे एचसीएफ। तो यहाँ पे संख्या क्या था, तो 306 था और 657 था, और एचसीएफ क्या था, 9। आप देख भी सकते हैं इस सवाल में, देखिए 306 और 657 और एचसीएफ 9 है। तो इसी का प्रयोग हमने लोग यहाँ किए हैं। तो देखिए 9 से कटा ये, 9 3 27, इसमें 3 से बचा 36, 9 6 36, तो यहाँ 34 आया और यहाँ 657 है, तो दोनों को गुना करके 22,338। तो देखिए इसमें इसी दो टाइप का सवाल पूछा जाता है, जो भी इस टाइप का सवाल जब था हम एक जगह आपको दिए हैं, आप इसे निश्चित रूप से बनाएंगे सभी सवाल को, और पुनः आगे की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ओके, बाय बाय।